आज एक लेसन करेंगे हम सिंपल मैशअप, एक रोमांटिक जो मेरे को रिक्वेस्टेड गाने आए थे। सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड गाना अगर मेरे को आज तक कोई आया वो है सानू इकबाल चैन ना आवे। तो ये है एक एकुस्टिक वर्जन ही है इस गाने का, ठीक है। मेरे को ये नहीं, बड़े सारे रिक्वेस्ट आते थे लेकिन ये नहीं बताते थे कि कौन सा करना चाहिए, ओरिजिनल वाला या एक शिवाय ने किया था वो वाला, या एक और था वो भी बड़ा अच्छा था। तो ये मैं करूँगा, ठीक है। आप इसी को ट्राई करना, सिंपल है ये हद से ज़्यादा। उसी में हम दो गाने तीन गाने और फिट करने की कोशिश करेंगे, देन मैं आपको बताता हूँ अपना मैशअप हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हमेशा अगर आप कर रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। मेन चीज़ें जो हैं इसमें वो ये है कि हमारा केपो रहेगा, ठीक है, थर्ड फ्रेट पे, 1 2 3 कॉर्ड्स सिंपल सबको आती होंगी, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जी मेजर ओपन वाली सबको आती है, ये डी मेजर, ठीक है, जी से ही हम डी पे चले जाते हैं ऐसे करके आराम से, ठीक है। ई माइनर सिंपल ये भी सबको आती है, एंड सी मेजर, चार कॉर्ड्स, ठीक है। यही चार कॉर्ड्स उस दिन भी हमने इनमें किए थे गाने में, आपको बताया था ओपन में, अब वो वाला वीडियो भी देखना लास्ट वाला ये वाला, ठीक है। तो जो स्ट्रमिंग रहेगी 4/4 कोई भी अगर आपको आती है, ठीक है, जो भी आपको आती है कोई भी चल सकती है। हमने ध्यान ये देना कि हमने बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं अगर डाउन स्ट्रोक में प्ले करना है, मैशअप कैसे बनाते हैं वो हम मैं आपको एंड में बताता हूँ। हम गाना देख लेते हैं, इसकी प्रोग्रेशन चलेगी साथ में, जैसे आपको पसंद आता है सिंगल गाना करना या वो करना, ठीक है। मेन चीज़ है इसमें जो सानू इकबाल चैन ना वो ओरिजिनल कॉर्ड्स में है, ओरिजिनल स्केल ओरिजिनल कॉर्ड, उसका कोई वो नहीं है। जो बाकी सारे गाने हैं वो इसमें मैशअप बनाने के लिए मैंने फिट किए हैं। अगर आपकी वॉइस पे मैच होते होंगे आप बजा लेना, नहीं तो कैपो यहाँ तो पीछे करना अगर नहीं मैच हो रहा होगा, आपकी थोड़ी टोन कम है, ठीक है, नीचे करना या फिर ऊपर करना कैपो, फोर्थ पे लगाना या कहीं भी, ठीक है। तो वो गाना हम शुरू करते हैं, सिंपल प्रोग्रेशन है उसकी। अब तो आ जा
इसमें और भी बड़े सारे गाने आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन गाना था वो वही था सामूहिक परिचय, और उसकी प्रोग्रेशन भी आपने देखी, सिंपल जी डी ई माइनर सी अगेन जी डी ई माइनर सी, ठीक है। तो आपने करना क्या, अगर आपने वो आगे वाला उसका पैरा और वर्स गाना होगा तो सेम उस पर प्रोग्रेशन पे चलने देना उसको, ठीक है, वैसे ही वो चलेगा। ये जो गाने थे पी लूम, ठीक है, दिल का ये क्या राज है, ठीक है, वो तुम जो है जिंदगी में, ये था कि वॉइस के साथ मैच हो रहा था और इसमें मैशअप बनाने के लिए, ठीक है, वो उसका ओरिजिनल कॉर्ड्स नहीं होंगे, थोड़े से ओरिजिनल आओ उसमें, अगर आपने बजाना होगा आप बजा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं हो रही होगी पहले आप टेस्ट कर लेना कि आपकी वॉइस कहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है, यहाँ पे या कहीं पे भी। फर्स्ट उसमें ट्रिक ये रहती है जो मैं आपको ट्रिक की बात कर रहा था ना कि मैशअप बनाने के लिए, मैंने गाया तो उसमें कोई मतलब आपने सुना होगा तो कोई इतना वो नहीं लग रहा कि बड़ा ही ऑफ साउंड है, नहीं ये इसमें नहीं गाया जा सकता, ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैंने शुरू किया जो ओरिजिनल स्केल था गाने का सामूहिक परिचय आए वो उसी में गाया, ठीक है, मेरा वॉइस उसके साथ चलने लग पड़ा, ठीक है। सही गाने से शुरू किया, सही जो गाना था, सही जो स्केल था हमने किया, हमारी वॉइस उसके साथ चलने लग पड़ी, और फिर हमने जो दो गाने थे अपनी मर्जी के गाने थे, ठीक है, वो उसमें गा लिए, दो या एक और उसमें था ओरिजिनल वैसा ही, ठीक है, तो इस तरह से। और वो वाला गाना ठीक है, तो सब ऑटोमेटिकली उसमें चलने लग पड़ा, ये है ट्रिक। अगर आप कोई भी गाना करते हो, ठीक है, ए माइनर स्केल का या कोई भी पांच गानों का मैशअप बना रहे हो, तो कोशिश करो दो या तीन गाने ए माइनर स्केल के ही हों, ठीक है। अगर कोई बी माइनर का है, कोई सी माइनर का है, या फिर जी शार्प माइनर का या जी माइनर का, तो वो आप उन तीन के सहारे चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका वो चलने लग पड़ेगा। बड़ी वाली जो मैंने मैशअप बनाया ना, अगर मैंने 10 गानों का मैशअप बनाया तो उसमें से 7 गाने या 6 गाने होते हैं ओरिजिनल उसी स्केल के और 4 अलग के होते हैं, तो ये वाली चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलाना हमेशा उसी से, कोशिश करो कि जब आप एंड वाला गाना गा रहे हो तो एंड में भी उसी करो, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात थी गाइस वो ये था डाउन डाउन जी पे, अप अप डाउन डाउन, ठीक है, वो वाला डी पे, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। लेसन खत्म हो गया गाइस, ये थोड़े पर्सनल टिप्स हैं, ठीक है, आपका गाना अच्छा करने के लिए। डाउन डाउन, अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे ना, बड़े ज्यादा ध्यान से, और अगर आप अपनी स्ट्रमिंग और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फिलर के लिए, अगर आप और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो ध्यान से सुनना, अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना डाउन डाउन, और जब यहां से मैं अपनी ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से अगर आप सुनना, मैं फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग पे छोटा सा पहले डाउन ले रहा हूं, फिर अप अप डाउन 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 अप कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से सुनते हैं इसको। Thank you.
बार ही आपने सुन लिया होगा वो। तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ है गाइस, ये कोई नहीं बताता, मैंने बड़ी जगह देखा है, और ये आपकी स्ट्रमिंग को सुंदर करेगी, ठीक है, उसको ज़्यादा फ्लुएंट करेगी सुनने वाले के, ठीक है। मैशअप क्या, इसमें क्या यार, चार ही गाने गाने, वो कोई भी गा सकता है कहीं पर भी, अगर आप यहाँ मैच हो रहा है यहाँ पर। मेन जो आपको सही साउंड देगी उसको, क्योंकि ये रोमांटिक सा गाना है तो इसमें एक ही स्ट्रमिंग रहेगी, तो यही होगा कि फ्लुएंट वो चले, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि वो इसी तरह से आप उसको चलाते रहो, तो ये ट्रिक है, ठीक है, इसको आप ट्राई करना। एंड वाला डाउन अप तो आपको पता है वो फिलर है, उसके दौरान हमें कॉर्ड चेंज करनी है, तो इन छोटी छोटी जब ये दो दो तीन तीन परसेंट वाली बातें ऐड होती जाती ना, तो ये गाना हमारा अच्छा करते जाती है। तो नहीं हो रही एक दिन में कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ है, इस पे आप पहला फोकस करना। ये एक ट्रिक थी पहली, वो मैशअप वाली ट्रिक थी। गाना आपको कैसा लगा वो मेरे को नहीं पता कि आपके फेवरेट हैं ये या नहीं है, या आप हर किसी में अप्लाई कर सकते हो, वाली बातें नहीं कि इन्हीं चार गानों में अप्लाई होंगी, ठीक है। और एक चीज़ कि अगर आपने सिंपल डाउन स्ट्रोक्स में करना है, वो वाला गाना आया था जब हमने वहाँ में वही चीज़ कर रहा था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, जस्ट डाउन स्ट्रोक्स एंड प्ले एनी सॉन्ग, ठीक है, उसमें हमने हमने की थी, मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ठीक है, ये वाली सारी चीजें बताई थी। तो यहाँ हम कर रहे हैं डाउन 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 अप 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 डाउन डाउन डाउन। अगर आप ये भी अच्छे तरीके से सीख लोगे ना गाइस, तो इसमें भी आप हर एक गाना बजा सकते हो, हर एक गाना। तो ये चीज़ों पे आप ध्यान रखना, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। फिर हम मैं और कोई चीज़, मतलब और जो ट्रिक्स हैं बाकी इन चीज़ों की, छोटी छोटी मैं आपको सारी अभी बताते जाऊँगा, ठीक है, बिगनिंग लेवल वाली, आप टेंशन नहीं लेना, वो सारी ये सब चीज़ें आपकी अच्छी होती जाएंगी सारी चीज़ें। अभी जस्ट आप ये मेहनत करना कि दो ही कॉर्ड्स कर रहे हो, तीन ही कर रहे हो, तो उनकी शिफ्टिंग पे अच्छे से ध्यान देना, स्ट्रमिंग उसके साथ एक ही कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें 100% आप करते जाना, ठीक है। घबराना नहीं, एक दिन में नहीं होगी कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं चलता है, ये हमने बड़ी देर चलाना है इससे काम, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी कोई चीज़ें होंगी, गाने होंगे, सारी चीज़ें अभी हम करते जाएंगे एक साथ, तो आप बने रहना इधर ही, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।